तो बाकी जितने भी चीजें हैं, हमने ये प्रिंसिपल रखा है कि जो जो ग्रह आपका, हमने क्या रखा, मतलब जो प्रिंसिपल है कि जो ग्रह आपका कमजोर होता है उसको आपको डोनेट करना है, जो ग्रह आपका शुभ है आपके चार्ट में उसको आपको कंज्यूम करना है, राइट। बट एक चीज है केवल, नॉलेज। सो नॉलेज जितना आप बांटते हो उतने ये आपके बुद्ध और गुरु बलवान होते हैं। इसमें रिवर्स है, राइट। तो चाहे वो आप किसी को टीच कर रहे हो कोई फॉर्मल सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग, या आप ज्ञान की बात कर, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक तरीके से मरकुरी आप मान लो, या फिलोसफी जो है वो मरकुरी है, और जो नॉलेज है, विजडम है, वो जुपिटर है, राइट। तो इसमें अपने कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई हम गुरु दे रहे हैं तो फिर हमारा गुरु कमजोर हो, हमारा गुरु कमजोर नहीं हो, तो फिर मैं नॉलेज अपने पास ही रख लू, मेरा गुरु और बलवान होता जाएगा, बट ऐसा नहीं है। तो नॉलेज एक, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो आप जितना बांटोगे, जितना दोगे, उसका जितना दान करो, है ना, उसको उतना बल मिलता है। इसीलिए वो जो परंपरा है ना, कि आपके यहाँ पर जो परंपरा है कि भाई आप ज्योतिषी को दिखाने जाते हो, डॉक्टर को दिखाने जाते हो, या किसी पंडित जी के पास जाते हो, तो वो आपको कुछ सुझाव देते हैं, तो आप बोलोगे कि भाई वो आपके मित्र भी हैं परिवार के, तो भी वो बोलेंगे कि नहीं पैसे नहीं लेंगे, है ना। तो उसमें कहते हैं कि भाई कुछ कुछ उनके लिए आप लेके जाते हो, या कुछ 1 रुपया शगुन का दे के, ताकि उन्होंने जो दिया है वो, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई दे दिया है तो उसके अगेंस्ट में कुछ अगर उनको दिया जाएगा तो उनका गुरु व्यवस्थित है। बट इट इज नॉट दैट कंपल्सरी। नॉलेज आप चाहे फ्री में दो, चाहे आप पैसे ले दो, एनीवेज, इसलिए जब नॉलेज आप देते हो तो उसको दक्षिणा कहा जाता है। वो चीज में अपने कंफ्यूज नहीं हो रहा। ज्ञान जितना आप लोगों को, जितना ज्ञान में लेके आते हो, उतना आपका और मरकरी दोनों बलवान है, राइट। एंड इट इज सेड टू बी द बिगेस्ट डोनेशन। तो अगर आपने किसी को एजुकेशन दे दी तो उसका 7 पीढ़ियां आगे की सुधर जाती, इसलिए उसमें भी स्त्री का, मतलब बच्ची का एजुकेशन को प्रमुखता से देखा गया, क्योंकि मरकरी को छोटी बच्ची जैसा ही माना। तो क्यों? क्योंकि आदमी का, आप बच्चे लड़के का आपने एजुकेशन दिया, ठीक है, वो अपना खुद करेगा, बट अगर माँ एजुकेटेड होगी तो उसके आगे की पूरी जनरेशन एजुकेटेड। बट माँ अगर लिटरेट होगी तो वो कुछ भी हो जाए अपने बच्चे को जरूर पढ़ लेगी। तो दिस इज सेड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट काइंड ऑफ डोनेशन, है ना। ये सभी डोनेशन में सबसे ऊपर है, ज्ञान का और शिक्षा का डोनेशन।